उत्तर प्रदेश की राजधानी के मोहनलालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो किसान से संबंधित है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। राजधानी के मोहनलालगंज के देवती ग्राम प्रधान महेश गुप्ता ने कई किसानों के हित की बात, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से जिला प्रशासन के उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं किसान, वह लगातार उनके पक्ष में खड़े होकर लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी जिला प्रशासन को सूचित किया है कि किसी भी तरीके से किसानों का उत्पीड़न ना करें और उनके ऊपर मुकदमा ना दर्ज करके उनको जागरूक करें कि वह पराली ना जलाएं जिससे प्रदूषण उत्तर प्रदेश का कम हो। तो वहीं आपको बता दें कि ग्राम प्रधान महेश गुप्ता ने भी कहा कि वह डुगडुगी बजवा कर पूरे गांव में किसानों को जागरूक करेंगे और दिया सभी क्षेत्रवासियों को अपने दीपावली पर्व पर शुभ संदेश। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। भारत जहां एक ग्राम प्रधान देश है, किसान प्रधान देश है, वहीं पर पराली जलाने को लेकर किसानों की बड़ी समस्याएं हैं। जहां पर आने वाला पर्व दीपावली है और प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन आज आपको लेकर आए मोहनलालगंज की ग्राम सभा देवती। जैसा कि आपको कई तस्वीर हमने पहले भी दिखाई थी, आज हमारे साथ ग्राम प्रधान महेश गुप्ता जी हैं, जिनसे जानते हैं कि अगर सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह से ग्रामीण जनता को दिलाया और किसान जो इनके क्षेत्र के किसान जो मोहनलालगंज के किसान है, पराली जलाने को लेकर जिस तरह से प्रशासन उन पर मुकदमे दर्ज कर देता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आश्वासन दिया कि प्रशासन उन्हें जागरूक करे ना कि किसानों पर मुकदमा करे। आइए खास बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं प्रधान महेश गुप्ता जी से कि आखिर सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह से वो ग्रामीण जनता तक पहुँचा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। किस तरह से अपनी जनता को, अपनी ग्रामीण जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे सर? पहले तो मैं अपनी जनता को और अपने देश को और अपने गांव को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं जी। और आपको भी जी सर। और पराली के जो ये प्रदूषण का जो ये चलता है, तो मैं किसानों से, अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि पराली ना जलाए जिससे प्रदूषण होता है। बिल्कुल। और इसके लिए मैं अपने गाँव वासियों को, सबको जागरूक करता हूं और कल या परसों में यहां पे डुग्गी भी पिटवाई जाएगी जी, जिससे कि ग्रामीण लोग पराली ना जलाएं और प्रदूषण मतलब ना। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपके देवती में हम जब एंटर हमने किया तो देखा एक चमकता हुआ विद्यालय भी है और काफ़ी अच्छा सड़कें भी बन गई हैं और काफ़ी समस्याएं थी जिस कुछ हद तक उसको आप लोगों ने सॉल्व भी किया। आखिर पेंशन है या जो जो सरकारी योजनाएं हैं ग्रामीण जनता तक पहुंचा रहे हैं आप लोग सरल माध्यम से? मैं पहले जब 2015 में प्रधान हुआ जी सर, तो हमारे गांव में मतलब स्कूल और प्राइमरी स्कूल इनकी सबकी स्थिति बहुत ही खराब थी। बिल्कुल। और उसको मैंने सरकार की तरफ से और ब्लॉक में लिखित में दिया कि हमारे यहाँ जो स्कूल है यहाँ पर भैंसें गाय बांधी जाती हैं और लोग यहाँ पे बाथरूम लेट्रीन करते हैं, तो बच्चों की बहुत ज़्यादा समस्या है। जिसके लिए मैंने फिर ये कोशिश की कि पहले तो मैं बाउंड्री बनवाऊँ, जो कि मैंने बाउंड्री बनवाई 10-10 फीट ऊँची, जो कि कभी सरकारी स्कूल में फिलहाल यहाँ पे इस तरीके की बाउंड्री अपने उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की नहीं बनी। और उसके बाद फिर मैंने उसका पूरा सुंदरीकरण कराया, जितना भी पैसा आया सरकार की तरफ से उसका मैंने पूरे स्कूल में ही लगाया और उसकी बाउंड्री करवा के और पूरा टाइल्स सिस्टम और बच्चों के लिए शौचालय और समरसेबिल का पूरा कार्य कराया, जिससे कि हमारे टीचर्स जो आते हैं लखनऊ से जी, पढ़ाने वाले गुरु टीचर्स जो भी हैं आते हैं और वो लोग कहते हैं प्रधान जी जो मैंने पिछले 10 सालों में देखा है वो आपने जो है 2-3 साल में करके दिखा दिया। बिल्कुल। करके दिखा दिया है और अब वहाँ पे सब मेज कुर्सी ये वो सारी सुविधाएं, लाइट सारी सुविधाएं करा दिया। गौरिया खुर्द में ऐसे ही है, वहाँ भी ऐसे ही बनवाया है। एक स्कूल हमारा डुबिया है, वहाँ भी हमने बनवाया है, वहाँ का भी कार्य चल रहा है जी। सर, तो, क्या सर क्या कहना चाहेंगे इस दीपावली पर
पराली को लेकर जो समस्या किसानों की आ रही है, किस तरह से डुगडुगी बजा के आप जैसे जागरूक करने वाले भी हैं, और क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से कि जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश किया कि उनके ऊपर मुकदमे ना लिखे जाए, उनको जागरूक किया जाए, तो प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे गरीब किसान हैं उनके ऊपर ना कोई मुकदमा चलाया जाए, और जब हम जागरूक कर रहे हैं, हम लोग प्रधान वगैरह जो भी गांव में हैं सबको जागरूक कर रहे हैं जी। और उसके लिए मैं कल या परसों में डुग्गी भी पिटवाऊंगा जिससे हमारे किसान जागरूक हों और प्रशासन जो है किसी प्रकार का उनके ऊपर मुकदमा ना चलाए। बिल्कुल। और उनको जो है पहले समझाया जाए, बात की जाए कि ऐसा मत करें जिससे कि प्रदूषण होता है, आप ही लोगों का नुकसान होता है। सर क्या कहेंगे, लगातार किसान सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं पराली को लेकर कि उन्हें जिस तरह से अगर पराली वो ना जलाए, उनको जल्दी फसल बोनी होती है, तो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए उनके लिए व्यवस्था प्रशासन को, जैसे पहले लोग पुराने में नहीं जलाते थे जी। ये तो अब पता चला है कि पराली वगैरह जलाते हैं, इससे ज़्यादा प्रदूषण होता जी, जी। तो इसलिए मतलब उनके किसानों के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि पैरा है, भूसा है, ये सब मतलब कहीं सिस्टमेटिक, पहले था कि व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। और जैसे पहले था कि गाय वगैरह जो थी वो सब लोग अपने अपने घर में बांधते थे जी। और सब कुछ करते थे, तो उससे सब वो चारा खाती थी गाय वगैरह, तो जलाने की जरूरत जलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए किसान जो भी नहीं जानते, जो जागरूक नहीं है, वो करते हैं ऐसा। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान देवती महेश गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पराली की समस्याओं को लेकर अपने ग्राम सभा में वो डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों को जागरूक करने वाले, वहीं प्रशासन से भी इन्होंने एक निवेदन किया कि जो भी किसान है जो पराली जला रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना कर उन्हें जागरूक किया जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेशित हुआ। और वहीं दीपावली के पर्व पर उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए ग्रामीण को और देशवासियों को बताया कि इस दीपावली को पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाए और बिना पटाखों के इस दीपावली को मनाए। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा।